मैनपुरी के एक मैरिज होम में बुधवार रात 3.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। मासूम बाथरूम में लहूलुहान हालत में मिली। उसे सैफई रेफर किया गया है। पीड़िता के पिता ने 3 अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। बता दें कि फरुखाबाद जनपद के कमालगंज क्षेत्र निवासी एक परिवार शादी में शामिल होने भोगांव आया था। शादी समारोह मैनपुरी स्थित एक मैरिज होम में चल रहा था। बताया गया कि परिवार के साथ आई 3.5 साल की बच्ची को 3 युवक बहला फुसला कर मैरिज होम की दूसरी मंजिल पर ले गए, जहां पर बने बाथरूम में बच्ची से दुष्कर्म किया गया। शादी में आई एक महिला जब बाथरूम के पास पहुंची तो युवक भाग निकले। महिला बाथरूम के अंदर पहुंची तो बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। उक्त महिला ने तुरंत बच्ची के परिजनों को खबर दी। घटना से शादी समारोह में हड़कंप मच गया। मैनपुरी से हमारी संवाददाता लालू रावत की रिपोर्ट। 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, पूरा मामला क्या है? यहाँ मैनपुरी जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक शिव पैलेस करके मैरिज हॉल है, इसमें एक शादी समारोह चल रहा था। उस शादी समारोह में एक फरुखाबाद के थाना क्षेत्र कमाल गंज से एक व्यक्ति आए हुए थे, जो अपने भांजे की शादी में आए हुए थे। उन्होंने तहरीर दिया है कि उनकी 3.5 साल करीब 3.5 साल की बच्ची के साथ किसी अज्ञात युवक ने वहीं प्रथम मंजिल पर स्थित बाथरूम में ले जा कर के दुराचार किया है, ऐसा उन्होंने तहरीर दिया है। और उस तहरीर पे हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। पोक्सो एक्ट की भी धाराएँ लगाई हैं। मुकदमा पंजीकृत करने के साथ साथ पुलिस टीम तत्परता से वहाँ पर पहुँची हुई है। और ना केवल CCTV फुटेज बल्कि मैरिज के दौरान जो वीडियोग्राफी हुई है उसकी और विभिन्न जो संदेहास्पद लोग लग रहे हैं उनको थाने पर ला करके पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। रही बात उस बच्ची के का दवा इलाज यहाँ पे कराया गया जिला अस्पताल में, उसके बाद उनको सैफई के लिए भेज दिया गया। बच्ची पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। उनके जो भी साक्ष्य संकलन की कार्यवाही है उनके शरीर के आधार पे वो डॉक्टरों की टीम कर रही है और घटना का अनावरण करके मुलजिम को गिरफ्तार करके हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। फिलहाल विवेचना की कार्यवाही प्रचलित है। सर, लगातार पुलिस और बच्चों के खासकर इस संबंध में सर कुछ जी ये कमी है, मैरिज हॉल की कमी है, इसको अलग से हम लोग दुरुस्त कराएँगे और DM मैनपुरी के माध्यम से उन लोगों को नोटिसेज वगैरह भिजवा करके वैधानिक कार्रवाई उनके ऊपर भी की जाएगी।